हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं पवन चौधरी। स्वागत है आपका एमपीपीएससी टीएटी के इस इम्पोर्टेंट वीडियो में, और इसका बहुत टाइम से इंतजार कर रहे थे। इसमें हम लोग बात करेंगे मध्य प्रदेश के आधुनिक भारत के प्रमुख राजवंश और उनके संबंध में चार इम्पोर्टेंट फैक्ट्स के बारे में। सबसे पहले, उस राज्य का पहला राजा कौन था, 18 जब भी उनका अंग्रेजों से संधि हुआ तो अंग्रेजों के संधि के समय पर राजा कौन था, 1857 में आपको किंग कौन था, और द लास्ट इज कि उनका आखिरी राजा लास्ट किंग आपको कौन था। तो चार इंपॉर्टेंट जो फैक्ट्स हैं, हम लोग लगभग लगभग तमाम जितनी भी डायनेस्टीज हैं, जितनी भी मॉडर्न डायनेस्टीज हैं, उन डायनेस्टीज के बारे में आपको बात करेंगे और उन डायनेस्टीज के बारे में बेसिक फैक्ट देखेंगे। बस बेसिक फैक्ट इसके अंदर आपको होगा, उनके बारे में डिटेल डिस्क्रिप्शन में नहीं देने वाला हूं। अगर आप इनके बारे में डिटेल डिस्क्रिप्शन चाहते हैं तो आप जाके लेक्चर्स को आपको देख ले, और इसके जितने भी किंग्स में बता रहा हूँ इन किंग्स को जाके आप अच्छे से प्रिपेयर कर लिए, यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना काफी ज्यादा आपको रहती है। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ओरछा राज्य के बारे में। अब देखो, जो भी नंबरिंग इसके अंदर आपको होगी, तो पहला राजा 18 ब्रिटिश के साथ संधि के समय राजा, थर्ड लिस्ट में होगा या थर्ड रो में होगा 1857 के समय राजा, और चौथा आपको होगा लास्ट राजा। चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं ओरछा राज्य के साथ में। ओरछा राज्य का स्टैब्लिशमेंट किया रुद्र प्रताप सिंह बुंदेला ने, ही वाज द फर्स्ट किंग ऑफ द ओरछा डायनेस्टी। उसके 1817 में इन्होंने अंग्रेजों के साथ संधि की, और उस समय पे विक्रमजीत सिंह जो है ये इनके यहाँ के आपको राजा हुए, और उनके बाद विक्रमजीत सिंह की जब डेथ हुई तो उसके बाद धीरे धीरे इनका साम्राज्य जो है काफी ज्यादा यहाँ पर आपको कमजोर हो गया। उसके बाद जब 1857 की जब बात आई, 57 की क्रांति की बात आई, तो 57 की क्रांति के समय में वैसे तो देखा जाए तो पूरा कंट्रोल जो है वो लड़ाई सरकार के पास में हुआ करता था, जो वहां के एक तरह से राजमाता बोल सकते हैं, लेकिन किंग तो कोई होना चाहिए ना। तो हमीर सिंह वॉज द किंग, और वो हमीर सिंह जो है वो लड़ाई सरकार के संरक्षण में यहाँ पर आपको कार्य करे। तो 1857 में हमीर सिंह आपको हुए। चौथा जो है आखिरी राजा कौन थे, तो वीर सिंह सेकेंड वॉज द लास्ट किंग, जो 1947 में जिन्होंने भारत सरकार के साथ संधि की और राज्य को भारत सरकार के अंदर यहाँ पर आपको, या यूनियन ऑफ इंडिया के अंदर आपको मर्ज कर दिया। अगले जो इंपॉर्टेंट राज्य है वो है बारचंदेरी राज्य। अब बारचंदेरी मतलब चंदेरी राज्य है, तो हु फाउंडेड द चंदेरी राज। देखो, चंदेरी राज्य के जो पहले राजा थे वो थे रामशाह बुंदेला। इसके पहले ये ओरछा के राजा हुआ करते थे, लेकिन जब आपके जहांगीर का समय आया तो जहांगीर ने इनको यहाँ से ओरछा से ट्रांसफर करके एक नया राज्य जो है बारचंदेरी राज्य आपको दिया, और ओरछा की गद्दी पे वीर सिंह जोदेव जो है उनको स्थापित आपको किया था। उसके बाद ब्रिटिशर्स के समय जब संधि हुई तो उस समय पे मोर प्रहलाद नाम के एक राजा जो थे वो एक इनके इंपॉर्टेंट आपको किंग हुए। उसके बाद जब ब्रिटिशर्स के साथ संधि की बात आई तो उस समय पे मर्दन सिंह करके एक जो राजा थे, मर्दन सिंह इनके राजा थे, इनका कैपिटल चंदेरी आपको हुआ। एक अलग से वीडियो आएगा जिसमें कैपिटल और इंपॉर्टेंट स्टेट एंड कैपिटल और तमाम चीजों के बारे में बात करेंगे। एक्चुअली उस वीडियो में हम लोग कैपिटल ट्रांसफर भी डिस्कस करेंगे कि कौन से राज्य का कब कब कैपिटल आपको ट्रांसफर हुआ। तो मर्दन सिंह एक तरीके से अंग्रेजों के विद्रोही हो गए, और इन्होंने फिर 1857 के अंदर जो विद्रोह है उसमें पार्टिसिपेट किया। किलगुआ उनका उस समय कैपिटल हुआ करता था, क्योंकि चंदेरी जो है उस समय तक अंग्रेजों ने इनसे कैप्चर कर लिया था। और आखिरी राजा भी मर्दन सिंह हुए 1857 के बाद। चंदेरी राज्य जो है वो सिंधिया के अंदर मर्ज हो जाता है, तो यहां से इनका राज्य आपको खत्म हो जाता है। फिर सिंधिया और जो ब्रिटिश हैं उनका कंट्रोल उसके अंदर आपको रहा। अगला जो इंपॉर्टेंट राज्य है वो है दतिया राज्य। दतिया राज्य भी ओरछा राज्य से ही इस राज्य का आपको जन्म हुआ, और इस राज्य के जो पहले राजा थे उनका नाम था भगवान दास बुंदेला। ब्रिटिशर्स के टाइम पर पारिछात बुंदेला जो है इन्होंने अंग्रेजों के साथ संधि की। देखो, ये पारिछात बुंदेला नौगांव वाले नहीं है, या स्पेशली आपके जो जयपुर स्टेट है वो नहीं है, ये अलग राजा है। तो पारिछात बुंदेला इट्स अ डिफरेंट किंग। 1617 में इन्होंने अंग्रेजों के साथ संधि आपको किया। 1857 के टाइम पर यहाँ पर भवानी सिंह बहादुर जो है दतिया के राजा थे, जिन्होंने ब्रिटिशर्स के सपोर्ट में एक तरह से 1857 की क्रांति में अंग्रेजों का सपोर्ट किया। एंड द लास्ट किंग वाज द गोविंद सिंह, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट किंग। तो ये चारों राज्य आपको यहाँ पे याद रखिएगा। आई थिंक ये पूरा क्रम आपको समझ में आ गया होगा अभी तक। ठीक है, अगला राज्य है पन्ना राज्य। सो पन्ना राज्य जो है, पन्ना राज्य का स्टैब्लिशमेंट किया आपके छत्रसाल बुंदेला ने। तो अगर देखा जाए तो छत्रसाल बुंदेला के जो फादर थे चंपत राय बुंदेला, तो उन्होंने एक्चुअली स्टेट को शुरुआत आपको किया था, लेकिन रियल फाउंडेशन जो है छत्रसाल बुंदेला का ही माना जाता है,
क्योंकि इन्होंने बड़े लेवल पर राज्य के अंदर डेवलपमेंट या विकास है विकास करवाया, या सबसे पहले उन्होंने डंगाई राज्य में अपना जो पन्ना कैपिटल है उस कैपिटल का एस्टेब्लिशमेंट भी किया। तो आप देखो छत्रसाल या आपके चंपत राय बुंदेला, दोनों में से किसी को भी आप एक को आपका इसका फाउंडर आपको मान सकते हैं। वैसे मेरे हिसाब से छत्रसाल बुंदेला इज रियल फाउंडर। फिर 1817 में अंग्रेजों के साथ संधि की, उस समय किशोरी सिंह जो है वो पन्ना के राजा हुआ करते थे। ब्रिटिशर्स के टाइम जब 1857 का रिवोल्ट हुआ, तो इस रिवोल्ट के समय पे द किंग वॉज नृपति सिंह, जिन्होंने अंग्रेजों का एक तरीके से ना सपोर्ट किया ना उनका विरोध किया, एक बैलेंस अप्रोच नृपति सिंह ने यहाँ पर आपको अपनाया। और जो आखिरी राजा इनके हुए उनका नाम था राजा यादवेंद्र सिंह, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट किंग। और यादवेंद्र सिंह जो थे ये आजादी के बाद जो विंध्य प्रदेश राज्य बना, विंध्य प्रदेश राज्य के पहले डिप्टी राज्य प्रमुख या उप राज प्रमुख आपको हुए। अगला जो इंपॉर्टेंट राज्य है वो राज्य है समथर स्टेट, समथर राज्य। और समथर जो राज्य है ये भी आपका बुंदेलखंड का इंपॉर्टेंट राज्य है। इसके पहले जो राजा थे उनका नाम था नोने शाह गुर्जर, और उसके बाद इनके बारे में, राज्य के बारे में कुछ ज्यादा जानकारी बीच में मिलती नहीं है कि अंग्रेजों के साथ ट्रीटी समय क्या हुआ, लेकिन अंतिम राजा के बारे में जरूर जानकारी मिलती है। रणजीत सिंह फर्स्ट जो है वो समथर राज्य के आखिरी राजा थे। अगले स्टेट की बात करें तो नेक्स्ट स्टेट इज द सरीला स्टेट। ये भी आपके बुंदेलखंड का एक बड़ा इंपॉर्टेंट भाग हुआ करता था। इसके जो पहले राजा थे उनका नाम था मानसिंह, सेकंड राजा जब अंग्रेजों से संधि हुई उस समय राजा हुए थे तेज सिंह, उसके बाद जब 57 की बैटल हुई तो हिंदूपत नाम के एक राजा जो है इनका शासन आपको हुआ, और उसके बाद आखिरी राजा हुए महिपाल सिंह इन 1947, जिन्होंने अंग्रेजों के साथ में, भारत सरकार के साथ में ट्रीटी साइन किया या इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया। अगला राज्य है आपका छतरपुर रियासत, छतरपुर राज्य। अब देखो छतरपुर जो है तो पूरा बुंदेलखंड छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड था, उसमें से एक जो था एक इंपॉर्टेंट आपका छतरपुर राज्य था। छतरपुर राज्य के जो पहले राजा थे उनका नाम था सोनेजू पवार, ही वाज द फर्स्ट किंग। और उसके बाद इसके जो आखिरी राजा थे उनका नाम था महाराजा भवानी सिंह बहादुर। अंग्रेजों के साथ संधि और उसके बाद 57 के टाइम पर कौन राजा था इसके बारे में ज्यादा पुख्ता जानकारी अवेलेबल आपको नहीं है, तो मैंने उसको डाला भी नहीं। तो छतरपुर राज्य की बात हुई। अगला जो इंपॉर्टेंट राज्य था वो था जैतपुर स्टेट। जैतपुर जाना जाता है आपके जो राजा पारिछात थे, जिन्होंने 1842 के अंदर बुंदेला रिबेलियन है उसमें पार्टिसिपेट किया था। सो द फर्स्ट किंग ऑफ द जैतपुर स्टेट वॉज द जगत राम। और जगत राम आपके जो राजा, स्पेशली आपके जो छत्रसाल थे तो छत्रसाल के बेटे थे। तो छत्रसाल ने अपना राज्य जगत राम, हृदय राम, हृदय सिंह कर हृदय शाह करके उनका बेटा हुआ, और आपके जो स्पेशली जो आपके पेशवा थे आपके बाजीराव फर्स्ट, उनके बीच में डिवाइड किया था। तो जगत राम वॉज द फर्स्ट किंग ऑफ जयपुर स्टेट। उसके बाद अंग्रेजों के साथ केसरी सिंह के टाइम पर अंग्रेजों के साथ संधि आपको हुई। फिर 1857 की जब क्रांति हुई तो उस समय पे एग्जैक्टली इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है। और आखिरी राजा हुए उनका नाम था पुण्यपाल सिंह, ठीक है। तो पहले और अंतिम और तीनों चीजें आपको याद रखेगा। अगला जो स्टेट हुआ उसका नाम था अजयगढ़ राज्य, ये भी पन्ना के पास में आपको लोकेटेड है। पहले राजा हुए इनके पहाड़ सिंह बुंदेला, जिन्होंने अपने पिता से संघर्ष करके या अपने भाई से संघर्ष करके इस एरिया को जीता। और आखिरी जो राजा हुए लक्ष्मण दुआ, जो इनके एक अधिकारी भी हुआ करते थे, बाद में उनको राजा बनाया गया ब्रिटिशर्स के माध्यम से, और उसके बाद ये एरिया अंग्रेजों ने अपने कंट्रोल में आपको ले लिया। अगला जो इंपॉर्टेंट राज्य था वो है चरखारी राज्य, चरखारी स्टेट। तो चरखारी स्टेट के जो पहले राजा थे उनका नाम था खुमान सिंह, उसके बाद अंग्रेजों के साथ जब संधि हुई तो विजय बहादुर आपको राजा हुए, फिर 57 की क्रांति के टाइम पर रतन सिंह, और आखिरी जो राजा हुए उनका नाम था जयेंद्र सिंह जुदेव बहादुर। ही वॉज द लास्ट किंग, जिन्होंने भारत सरकार के साथ में संधि साइन किया। अगले जो इंपॉर्टेंट जो स्टेट है वो है बिजावर स्टेट। तो बिजावर स्टेट का जो पहला जो राजा थे उनका नाम था वीर सिंह देव, उसके बाद अंग्रेजों के साथ रतन सिंह ने यहाँ पर आपको संधि की, और 57 के टाइम पर सवाई भान प्रताप सिंह जो है राजा हुए, जो अंग्रेजों से संधि कर चुके थे तो इन्होंने अंग्रेजों का ही उस समय आपको सपोर्ट किया। और जो आखिरी राजा थे उन आखिरी राजा का नाम था गोविंद सिंह, है ना। देखो अभी हमने दतिया में भी गोविंद सिंह को देखा था, तो ये भी आपको अंतिम राजा थे। कई बार एक राज्य के मतलब एक जैसे नाम के दो दो राजा मिल जाते हैं, तो उसमें आपको कंफ्यूज आपको नहीं होना है, ठीक है। तो ये तो बात हुई आपके बिजावर राज्य के बारे में, बिजावर स्टेट के बारे में। बीच में चेक करना पड़ता है रिकॉर्डिंग हो रही नहीं, कई बार ऐसा होता है कि रिकॉर्डिंग स्टार्ट करो और होती नहीं है, तो फिर से रिकॉर्ड करना पड़ता है। चलिए अगला जो राज्य थे वो खनियाधाना स्टेट है। एंड खनियाधाना जो राज्य या स्टेट है तो इसके पहले राजा हुए अमर सिंह, उसके बाद आखिरी जो राजा हुए उनका नाम था देवेंद्र प्रताप सिंह, बीच में अंग्रेजों के साथ संधि, और आखिरी राजा या 57 के टाइम पर राजा कौन थे जानकारी हमको प्रॉपरली नहीं मिल पाती है, ठीक है। ओके, मिलती
मिलती भी है तो ये होता है थोड़ा कंफ्यूजिंग है, तो डालने से कोई मतलब नहीं, हर किताब में अलग अलग चीजें मिलती हैं। अगला जो राज्य है उसका नाम था शाहगढ़ स्टेट, शाहगढ़ रियासत, और शाहगढ़ रियासत के पहले राजा थे राजा अर्जुन सिंह। उसके बाद इस राज्य के जो अंतिम राजा है उनका नाम था पृथ्वीराज, जिन्होंने भारत सरकार के साथ संधि साइन किया। ओके, अगला राज्य था बघेलखंड स्टेट या रीवा राज्य जिसको बोल सकते हैं। देखो शुरू में तो ये बघेलखंड राज्य था लेकिन बाद में इसको रीवा राज्य आपको बोला गया, क्योंकि जब रीवा उन्होंने कैपिटल स्टैब्लिश किया तो स्टेट वॉज नॉन एज द रीवा राज्य। अब हु इज द फाउंडर ऑफ द स्टेट? अब देखो बघेलखंड की जो स्टार्टिंग आपको हुई, तो बघेलखंड की स्टार्टिंग में वीर विसल देव और विमल देव नाम के जो दो सोलंकी है, तो दे आर बेसिकली बिलोंग टू द सोलंकी जो राज्य था, या स्पेशली ये सोलंकी जो डायनेस्टी है अनहिलवाड़ा की उसको बिलोंग करते थे। तो वहां के बीसल देव और विमल देव जो है ये लोग आए और इन्होंने एक तरह से स्टेट को फाउंडेशन उसका फाउंडेशन आपको किया। उसके बाद ये अपना कैपिटल ले जाते हैं आपके बांधवगढ़, और बांधवगढ़ के बाद जब रीवा उनका कैपिटल बनता है तो रीवा स्टेट, एक्चुअली रीवा स्टेट का स्टैब्लिशमेंट किया राजा विक्रमादित्य ने। तो बघेलखंड की बात करें तो विसल देव और बिमल देव, और वही आगे लाइन है जो उनकी चलती रही। मतलब ये ऐसी डायनेस्टीज है जो 1200 से लेके तो 1947 तक 700 साल तक ये डायनेस्टीज आपको चली है। और आखिरी जो मतलब उनके राजा थे उस समय विक्रमादित्य सिंह, जिन्होंने रीवा जो है रीवा का फाउंडेशन आपको रखा। फिर 1813 के अंदर अंग्रेजों के साथ इनकी संधि हुई, राजा अजीत सिंह ने ब्रिटिशर्स के साथ संधि आपको साइन किया। फिर 1857 के रिवोल्ट के टाइम पर राजा रघुराज सिंह जो है ही वॉज द किंग, जिन्होंने अंग्रेजों का भरपूर आपको साथ दिया, और स्पेशली जो मंडला की जो रानी हुआ करती थी अवंतीबाई लोधी, उनको डिफीट करने में रघुराज सिंह का एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल आपको है। और आखिरी राजा हुए, इनका नाम था मार्तंड सिंह, बड़े इंपॉर्टेंट किंग थे। तो मार्तंड सिंह वॉज द लास्ट किंग ऑफ द रीवा राज्य। अगले राज्य की बात करें तो अगला जो इंपॉर्टेंट राज्य है वो गढ़ा का गोंड साम्राज्य या गोंड डायनेस्टी बोला जाता है, गढ़ा मंडला जिसको हम लोग बोलते हैं। तो गढ़ा मंडला जो राज्य है, गढ़ा मंडला का फाउंडेशन किया यादव राय नाम के एक राजा ने। अब देखो ये थोड़ा सा मिडिवल वाला आ गया, मैंने ऐड कर दिया इसके अंदर, बट मिडिवल और एंशियंट के जो किंग्स हैं उनकी एक अलग से लिस्ट में बनाऊंगा, बट फिर भी उसको कंसिडर कर लेना। तो यादव राज द फर्स्ट किंग। उसके बाद जब अंग्रेजों से जब संधि हुई तो अंग्रेजों के संधि के टाइम पर यहाँ पे लक्ष्मण कुमारी हुआ करती थी, और लक्ष्मण कुमारी जो है यहाँ के जो राजा थे नरहरी शाह, उनकी विधवा पत्नी थी। तो इनको पहले तो ये मराठा ने इनको पेंशन दिया, इनके साथ संधि की। उसके बाद मराठास ने जब पूरा एरिया ट्रीटी ऑफ बेसिन के बाद जब अंग्रेजों को दे दिया तो फिर इनकी अंग्रेजों के साथ संधि हुई, उन्होंने पेंशन देना शुरू की। और उसके बाद इनके साम्राज्य के अंदर जो आखिरी राजा हुए शंकर शाह और रघुनाथ शाह, जो आपके रानी दुर्गावती और लक्ष्मण कुमारी की जो लाइनेज है इसी को बिलोंग करते थे, तो इनका बेटा था लक्ष्मण कुमारी का ना, उनका नाम था बख्त बुलंद, सॉरी उनका नाम था द पर्सन इज कॉल, उसका नाम मैं भूल गया, चलो जो भी नाम है आपको याद होगा, मेरे को भी एकदम नाम एकदम से याद नहीं आएगा। ठीक है, तो वो उनका बेटा वहां से आपको भाग जाता है, और बाद में शंकर शाह और रघुनाथ शाह जो है उन्होंने स्पेशली रघुनाथ शंकर शाह को आपको गोद लिया, और इनको फिर एक तरीके से 57 के बैटल में इन्होंने जबलपुर के अंदर केगुआ फोर्ट में आपको बैठ के इन्होंने उनके उसका नाम था नर्मदा बख्श, नर्मदा बख्श है ना, अब मुझे याद आ गया है ना, क्योंकि रिकॉर्डिंग रोक नहीं सकता मैं। ओके, तो शंकर शाह और रघुनाथ शाह जो है इनको अडॉप्ट किया एक तरीके से, और इन्होंने फिर अंग्रेजों के खिलाफ आपको बगावत कर दी, और यही फिर शंकर शाह रघुनाथ शाह इन साम्राज्य के आखिरी राजा। उसके बाद पूरा राज्य जो है वो इनका आपको एंड हो गया। अगला था खेरला राज्य, खेरला स्टेट। अब खेरला स्टेट जो है इसके जो पहले जो इंपॉर्टेंट राजा थे उनका नाम था नरसिंह राय, इनके बारे में ज्यादा जानकारी अवेलेबल नहीं है, मैं जो मिडिवल और एंशियंट का बनाऊंगा वहां पर मैं कुछ जानकारी और ऐड कर दूंगा। अगला स्टेट था देवगढ़ स्टेट, ये भी मिडिवल स्टेट या मध्यकालीन आप बोल सकते हैं। तो पहला जो उसका राजा था उसका नाम था तुलोबा, और उसके अलावा ज्यादा जानकारी अवेलेबल नहीं है, लेकिन हाँ आखिरी में फिर आपके सिंधिया मतलब स्पेशली जब मुगल का अंत हुआ, मुगलों के समय पे बुरहान शाह और अकबर शाह राजाओं का नाम मिलता है कि वो इस राज्य के आपको आखिरी राजा थे। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट राज्य था भोपाल स्टेट, भोपाल राज्य, एंड भोपाल राज्य वॉज फाउंडेड बाय आपके दोस्त मोहम्मद खान, जिन्होंने 18वीं शताब्दी की शुरुआत में 1714-1715 में इस स्टेट का स्टैब्लिशमेंट आपको किया, और अंग्रेजों के साथ में इनका 1818 के अंदर एक संधि हुआ, द ट्रीटी इज कॉल्ड द ट्रीटी ऑफ रायसेन। दोस्त नजर मोहम्मद खान थे, उन्होंने अंग्रेजों के साथ 1818 में संधि आपको साइन की। और उसके बाद जब 57 के बैटल का टाइम आया तो 57 के बैटल के समय पे सिकंदरा जहां बेगम जो है वो भोपाल की क्वीन, भोपाल की राजकुमारी हुआ करती थी, और इन्होंने बड़े लेवल पे अंग्रेजों का सपोर्ट किया, इवन सीहोर, विदिशा, रायसेन,
या भोपाल इटसेल्फ, इन रीजन्स के अंदर जिन्होंने अंग्रेजों का प्रॉपर सपोर्ट किया। आखिरी जो राजा हुए उनका नाम था हमीदुल्ला, जिन्होंने 1949 में भारत सरकार के साथ संधि साइन करके, 1949 में भारत सरकार के साथ संधि साइन करके इसको भारत का भाग, या भोपाल को भारत के अंदर यहाँ पर आपको शामिल आपको किया। ठीक है, अगला जो स्टेट है वो है होलकर स्टेट, होलकर राजा। अब जो होलकर राज्य के जो पहले राजा थे, मल्हार राव होलकर, ही फाउंडेड द होलकर स्टेट, और उसके बाद मल्हार राव थर्ड के टाइम पर इनका अंग्रेजों के साथ ट्रिटी होता है, द ट्रिटी इज कॉल्ड द ट्रिटी ऑफ मंदसौर, क्योंकि जो बैटल ऑफ महतपुरी लोग हार गए, तो उसके बाद फिर मल्हार राव होलकर थर्ड जो है इन्होंने अंग्रेजों के साथ आपको संधि साइन किया। उसके बाद 1857 के अंदर जो राजा थे उनका नाम था तुकोजी राव सेकेंड, जिन्होंने एक तरह से एक न्यूट्रल अप्रोच यहाँ पर आपको अपनाई, अंग्रेजों का एक तरह से सपोर्ट किया भी और बगावती जो सैनिक है उनका भी सपोर्ट किया। तो उन्होंने एक तरीके से एक जो बैलेंस अप्रोच है उस बैलेंस अप्रोच को यहाँ पर उन्होंने अपनाया। आखिरी राजा हुए 1948 के अंदर यशवंतराव होलकर, ही वाज द लास्ट किंग, इस डायनेस्टी के अंतिम राजा आपको होते हैं। तो ये चारों याद रखिएगा। अगला जो इंपॉर्टेंट स्टेट है वो है ग्वालियर राज्य, ग्वालियर स्टेट, और ग्वालियर राज स्टेट के जो पहले राजा थे उनका नाम था राणोजी सिंधिया, है ना। ये जो बाजीराव फर्स्ट थे उनके सेनापति हुआ करते थे, कमांडर हुआ करते थे, और इनको मिला था ग्वालियर वाला स्टेट। उसके बाद अंग्रेजों के साथ जब संधि हुई तो उस समय दौलत राव सिंधिया आपके राजा हुए, और इन्होंने कैपिटल जो है उज्जैन से ग्वालियर आपको शिफ्ट किया था। उसके बाद 1857 के टाइम पर जयाजी राव सिंधिया है, ही वाज द इंपॉर्टेंट किंग, जो जिन्होंने अंग्रेजों के साथ पूरा सपोर्ट किया और यहां से भाग के, ग्वालियर से भाग के आगरा चले गए। फिर बाद में जब सब कुछ ये ठीक हो गई तो अगेन ये आपको फिर से ग्वालियर के अंदर आपको आ गए। और आखिरी जो राजा हुए उनका नाम था जीवाजी राव सिंधिया, जॉर्ज जीवाजी राव सिंधिया, जो अंतिम राजा आपको हुए, और इन्होंने भारत सरकार के साथ में जो ट्रीटी है या इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन आपको साइन किया, और उसी के साथ में जॉर्ज जीवाजीराव सिंधिया आपके मध्य भारत स्टेट के पहले और आखिरी राज प्रमुख यहाँ पर आपको बने। ठीक है, उसके बाद अगर देवास स्टेट की बात करें तो देवास स्टेट दो पार्ट में डिवाइडेड था, सीनियर जो ब्रांच और जूनियर ब्रांच। सीनियर ब्रांच जिसको बाबा साहेब कहा जाता था, तो सीनियर ब्रांच के जो पहले इंपॉर्टेंट लीडर थे उनका नाम था तुकोजी राव फर्स्ट। फिर 18 अंग्रेजों के साथ जब संधि की बात आई तो तुकोजी राव सेकेंड जो है इन्होंने अंग्रेजों के साथ संधि आपको साइन किया। फिर 1857 का जब रिवोल्ट की बारी है तो रघुनाथ नाथ पवार जो है वो इनके राजा थे, जिन्होंने अंग्रेजों का भरपूर सपोर्ट किया, इनको पैसा और हथियार वगैरह तमाम चीजें प्रोवाइड की। एंड द लास्ट किंग वाज द विक्रम सिंह राव तुकोजी राव पवार, जो इनके आखिरी राजा होते। तो ये देवास सीनियर की ब्रांच, आपको सीनियर ब्रांच की बात हुई। देवास अगर जूनियर ब्रांच की हम लोग बात करें, जूनियर ब्रांच को कहा जाता था दादा साहेब, वहां के राजा को भी दादा साहेब कहा जाता था। तो उसके पहले जो राजा थे जीवाजी राव, क्योंकि जो कालूजी सिंधिया, कालूजी पवार थे, उनके दोनों बेटों के बीच में इस स्टेट को डिवाइड किया गया था, जो देवास सीनियर और देवास जूनियर। तो जूनियर के अंग्रेजों के साथ जब संधि हुई तो उस समय आनंद राव पवार वॉज द किंग, जिन्होंने अंग्रेजों के साथ संधि आपको की। उसके बाद आनंद पवार नाम के राजा थे जो 1857 के टाइम पर आपको थे, और इन्होंने अंग्रेजों का सपोर्ट आपको किया। ऑलरेडी ट्रीटी हो चुकी थी, आनंद राव और आनंद राव पवार दोनों अलग अलग हैं। एंड द लास्ट किंग वॉज द यशवंत राव, है ना, याद रखिएगा, लास्ट किंग वॉज द यशवंत राव। इनके डायनेस्टी के भी आखिरी राजा यशवंत राव ही थे, ठीक है, यशवंत राव पंवार हो बोल सकते हैं। अगला राज्य है धार स्टेट, धार राज्य। अब धार राज्य के जो पहले राजा थे, तो अब देखो यहाँ पर वैसे तो देखा जाए तो उदाजी पंवार, जो उदाजी राव पंवार फर्स्ट हैं, ही वॉज द फर्स्ट किंग, लेकिन कई सारे सोर्सेज में आपको आनंद राव पंवार का भी नाम आपको मिलेगा, क्योंकि एक्चुअल बोलते ना कि वास्तविक संस्थापक है, तो वास्तविक संस्थापक अगर देखा जाए तो वो आनंद राव पंवार थे। उसके ब्रिटिशर्स के समय संधि के टाइम पर थे आनंद राव पंवार सेकेंड, और जब 1857 का जब रिवोल्ट हुआ तो उस समय आनंद राव पंवार फोर्थ राजा बने। एक्चुअली ये 57 में ही इनको राजा बनाया गया था, इसके पहले जो राजा थे उनकी मृत्यु हो गई थी, और उनकी मृत्यु के बाद जो लॉर्ड कैनिंग है उन्होंने आनंद राव पंवार फोर्थ जो है इनको एज ए किंग के रूप में एक्सेप्ट किया, और इनकी जो अडॉप्टेड इनकी जो मदर थी, है ना, इनकी जो बोल सकते हैं कि जिन्होंने इनको गोद लिया था उनका नाम था द्रौपदी बाई। तो द्रौपदी बाई जो है उनको एक तरीके से यहाँ पर आपको संरक्षक के रूप में आपको काम किया। और आखिरी जो इनके इंपॉर्टेंट यहाँ पर आपको राजा हुए उनका नाम था आनंद राव फोर्थ पंवार बहादुर, है ना। पंवार को जनरली पुआर लिखते थे, एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन पुआर ही है, वो धीरे धीरे करके पंवार आपको हो गया। तो आनंद राव फोर्थ वॉज द लास्ट किंग, जिन्होंने भारत सरकार के साथ यहाँ पर आपको संधि आपको साइन किया। अगला जो स्टेट है वो है रतलाम स्टेट, बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेट था, छोटा स्टेट था लेकिन काफी इंपॉर्टेंट आपको स्टेट था। तो रतलाम स्टेट के पहले राजा हुए राजा रतन सिंह, जिन्होंने जिन्होंने आपके
स्पेशली आपका जो दारा शिकोह था, तो उसके सपोर्ट में औरंगजेब और मुराद की जो कंबाइन सेना है, इनके साथ में बैटल ऑफ धर्मट को यहाँ पर आपको लड़ा था। उसके बाद अंग्रेजों के साथ में भैरव सिंह नाम के राजा ने एक संधि आपको साइन किया। फिर 57 के टाइम पर परबत सिंह थे, संधि होने के बाद ऑब्वियसली बात है उन्होंने 57 के बैटल में तो पार्टिसिपेट नहीं किया। और आखिरी राजा हुए, उनका नाम था लोकेंद्र सिंह बहादुर, जिन्होंने स्टेट को भारत के साथ में या यूनियन ऑफ इंडिया के अंदर यहाँ पर आपको मर्ज किया। अगला जो स्टेट था वो था झाबुआ स्टेट, काफी इंपॉर्टेंट स्टेट है झाबुआ, छोटा सा स्टेट था। एक समय पे अगर देखा जाए तो जो जोधपुर के राजा हैं उनके माध्यम से उसको एस्टैब्लिश किया गया था या उनके ही कंट्रोल में था। तो फर्स्ट किंग जो है उनका नाम था केशोदास। उसके बाद अंग्रेजों के साथ जो संधि संधि यहाँ पर आपको हुई, तो संधि के समय जो राजा हुए उनका नाम था भीम सिंह। और जब 57 के बैटल का टाइम आया, तो 57 की बैटल के टाइम पर जो राजा हुए उन राजा का नाम था गोपाल सिंह। और इन्होंने 57 के बैटल के अंदर ऑब्वियसली बात है कि अंग्रेजों का यहाँ पर आपको सपोर्ट किया। एंड द लास्ट किंग वॉज दिलीप सिंह, जो झाबुआ के आखिरी राजा यहाँ पर आपको हुए। ठीक है, उसके बाद अगला जो राज्य है वह मेहर स्टेट, मेहर राज्य है। तो मेहर स्टेट जो है, मेहर स्टेट के पहले राजा हुए उनका नाम था बैनी सिंह बहादुर। और अंग्रेजों के साथ दुर्जन सिंह नाम के राजा ने आपको संधि आपको साइन किया। और जब 57 की बैटल का समय आया तो रघुवीर सिंह वॉज द किंग। और आखिरी जो राजा हुए उनका नाम था ब्रजनाथ सिंह, काफी इंपॉर्टेंट राजा थे। इन्होंने अपने स्टेट के अंदर आर्ट एंड कल्चर या जो संस्कृति है उसको काफी ज्यादा यहाँ पर आपको बढ़ावा दिया। तो ये आपके मॉडर्न हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट किंग्स और उनकी तमाम इन्फॉर्मेशन आपको हुई। एक और वीडियो में लेके आऊंगा जहाँ पर एंशियंट और मिडिवल डायनेस्टीज हैं, उनकी कुछ छोटी मोटी डायनेस्टीज के बारे में सेम बात करेंगे। एक वीडियो मध्य विदेश का मैं लेके आऊंगा, स्पेशली जो कैपिटल चेंज हुआ कि कौन कौन सी राजधानियां हुई और उनकी कैपिटल कौन कौन सी थी, तो उनके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। अभी जितने भी स्टेट हमने डिस्कस किए हैं इनमें से ऑलमोस्ट स्टेट की कैपिटल आपको याद होगी, या उनके बारे में अलग जो वीडियो आएगा कैपिटल वाला उसमें भी हम लोग आपको बात कर लेंगे। तो काफी आई थिंक हेल्पफुल आपके लिए वीडियो आपको रहेगा। उसके अलावा अनअकैडमी का एक बड़ा इंपॉर्टेंट अभी ऑफर चल रहा है। सबसे पहले अनअकैडमी की जो कैटेगरी है उसका नाम चेंज होके आपका एमपीपीएससी कैटेगरी का चेंज होके मध्य प्रदेश स्टेट एग्जाम आपको हो चुका है। और इसके अंदर भी स्पेशली अगर आप अभी अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन परचेज करते हैं तो एक साल के सब्सक्रिप्शन पे आपको मिलेगा 40% डिस्काउंट, और एक साल का सब्सक्रिप्शन आपको मिल जाएगा मात्र 8,096 रुपए में। और उसके लिए सिंपली आपको मेरा कोड पवन लाइव यूज करना है। इफ यू आर यूजिंग दिस कोड यू विल गेट 40% डिस्काउंट ऑन द प्लस कोर्सेज। उसके अलावा हिंदी और इंग्लिश के लिए अलग से प्रगति करके टेट का एक जो वर्ग एक वाला बैच है, ये बैच भी आपको आ चुका है। और इस बैच के अंदर आप पूरा वर्ग एक का सिलेबस, जो भी आपका सब्जेक्ट है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, तमाम टॉपिक इसके अंदर आपको कंप्लीट हो जाएंगे। साथ ही जीत की रणनीति करके एक इंपॉर्टेंट बैच है एमपी पुलिस और कॉन्स्टेबल के लिए, जिद करके एक बैच, ऐसे कई सारे बैचेस अभी के समय पर चल रहे हैं। और इन बैचेस के माध्यम से आप अपना पूरा सिलेबस जाके कंप्लीट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। आई होप यू लाइक द लेक्चर। थैंक यू।